तो ये वाली बालियां कान में डालने के लिए ले, तो पैसे भी मैंने निकाल लिए हैं। अच्छा सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं और ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं रास्ते से। तो अभी जा रहे हैं हम थलीसैंड मार्केट, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो रही है अंशु की, और उसके लिए दवाइयाँ भी लेनी है। और मैं और गंगू भाई और धनु भी आ रहे हैं मार्केट, और अंशु और अंशिका और राशि भी आ रहे हैं हमारे साथ। तो काफ़ी सारे जा रहे हैं हम बाज़ार, तो चलिए चलते हैं बाज़ार की तरफ और आपको करा के लाते हैं अपने सुंदर से मार्केट के सर। और यहाँ पे ना हमारे गांव का मुर्गी फार्म है बहुत ही बड़ा, और ये देख सकते हैं काफ़ी सारे मुर्गे हैं यहाँ पे फार्म में। तो अंशिका यहाँ आगे आगे भागने पर लगे हैं दोनों, और अंशिका ने ना यहाँ आज के चश्मे पहन लिए, और अंशु की तो तबीयत ख़राब हो रही है, घं 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 कर रहा है, बस हिट्टी करके नहीं जा रहा, हिट्टी करके। तो चलते हैं मार्केट की तरफ, और आज ना हम पैदल पैदल जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि गाड़ी में तो हम गए नहीं और गाड़ियाँ हैं भी नहीं आजकल, क्योंकि गाड़ियाँ तो सब यात्रा पर गई हुई हैं। और अभी पहुँच चुके हैं हम कोलकाता का रोल। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ना खाली चीड़ और चीड़ के ही पेड़ हैं चारों तरफ, ये देख सकते हैं। इतना गर्म हो रहा है ना, इतनी भयंकर धूप लग रही है, और अंशु पैदल चलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो पहले जब हमारे गांव में रोड नहीं थी तो हम इसी रास्ते ना कॉलेज स्कूल जाया करते थे, और अब सुविधा हो गई तो अब जाने में इतनी प्रॉब्लम होती है ना, मन नहीं करता पैदल जाने का। चलो तो किट्टू करके। और ये ना हमारे गांव के जंगल हैं, तो आजकल जंगलों में देख सकते हैं हरी भरी। तो अंशिका तो चलेगी धनु के साथ, और अयांश को पिद्दी पे ले जाना पड़ रहा है, पैदल नहीं चल रहा अयांश बिल्कुल भी नहीं। ये बच्चा इतना बीमार है ना, मेरा बच्चा है ना अंशु। तो हम लोग मार्केट भी पहुंच चुके हैं, अब अभी मैं ज्वेलर्स की दुकान पे आई हूँ, और आज ना अंशिका के नाक कान छिदवाने हैं, तो ज्वेलर्स के पास लेके आई हूँ उसको। तो इसके लिए मैंने छोटी छोटी बालियाँ सिलेक्ट किए हैं, तो दिखाती हूँ आपको किस टाइप के ले रहे हैं। कान के लिए और नाक के लिए। तो ये वाली बालियाँ कान में डालने के लिए ले रही हूँ इसके, और ये छोटी सी नाक में डालने के लिए सकते हैं। तो भैया चलो भैया कर दो। तो मेरे पास अभी पैसे नहीं है ऑन कैश, तो मैं पहले पैसे निकाल लेती हूँ एटीएम से। तो पैसे भी मैंने निकाल लिए हैं, अब चलते हैं सुनार की दुकान में, अंशिका के कान छिदवाते हैं पहले। अंशिका बहुत डर रही है कान छिदवाने में, कुछ नहीं होता, अच्छी कैसे दिखेगी जब छिदवाएगी नहीं, अभी पता लगाओ भैया। अरे निशान बस। तो अंशिका के नाक कान भी छिदवा दिए हैं मैंने, और ये मैंने छोटी छोटी बालियां ली हैं उसकी। तो सुनार कह रहे हैं अभी घर जाके चलाना एक हफ्ते बाद, और वो बहुत ज्यादा रो रही है, इतनी परेशान कर दिया ना इसने आज, दिमाग खराब हो रहा है इसके साथ, दर्द हो रहा होगा ना। तो ये देख सकते हैं अभी अभी बारिश आना स्टार्ट हो गया है, और अभी आप अंकल जी की शॉप पे आए हैं अंशिका के लिए सैंडल लेने के लिए। कितने बलून तेरे यार, ये तो बढ़िया लड़की है भाई, इनमें नहीं कदे नंबर थी 8 नंबर ये चक। तो अंशिका के न्यू सैंडल देख सकते हैं, ये वाले सिलेक्ट किए हैं हमने अंशिका के लिए। तो गंगा ने लिए हैं अपने लिए एक जोड़ी पायल, तो ये देख सकते हैं किस तरीके का डिजाइन है इन पायलों में। तो अभी आया हूँ अंशु के लिए कपड़े लेने के लिए भैया जी की शॉप पे, और मैं उसके लिए ना शर्ट और पैंट ले रही हूँ। आ गया दिखाओ,
तो ये देख सकते हैं ये वाली शर्ट ली है मैंने उसके लिए और ये ब्लू कलर की पैंट। तो अंशु की शॉपिंग तो हो चुकी है, कितने गए भैया? फिर आप लेना आएगा, इसमें बना के पता है। शॉपिंग भी कर ली है और अब इसके लिए ना थोड़ी सी मेडिसिन लेनी है, डॉक्टर को दिखाना है अंशु को। अंशु के लिए दवाई भी मैंने ले ली है और उसको एक इंजेक्शन लगवाना है ताकि उसको उल्टियाँ ना हो। तो भूख लग गई थी मार्केट में हमें, तो अभी हम ना चाउमीन खाने आए हुए होटल में, तो हमने क्या था मंगवाए थे ब्रेड पकौड़े, लेकिन मिर्ची लग रही इसलिए खा ही नहीं रहे लोग। तो खाना पीना भी हो चुका है और अब चलते हैं घर और देखते हैं गाड़ी है कि नहीं हमारे यहाँ की क्या। और आज ना संडे है तो पूरा मार्केट बंद है, मार्केट ही नहीं खुला हुआ था। लेकिन तो अभी मैं स्टेशन पे आ चुकी हूँ और मेरे पीछे देख सकते हैं हमारे यहाँ की गाड़ी आ रखी है और देख सकते हैं ये दादाजी हमारे यहाँ के हैं और उनके सामने दूसरे दादाजी हैं, वो तो दिल्ली से आ रहे हैं घर और तो उनका सामान है, तो अभी सामान चढ़ा रहे हैं और उसके बाद चलते हैं घर। तो बाहर बहुत ज़्यादा तेज धूप लग रही है, गाड़ी में बैठ जाती हूँ मैं और गंगा और जहनी तो ऊपर पार्क में गए। तो मैं मार्केट से घर भी पहुंच चुकी हूँ और 4 बज रहे हैं अभी टाइम, इतना लेट हो गया मैं मार्केट से घर आते आते। और अंशु की ना अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, उसको बुखार हो रहा है, उल्टी हो रही है, पता नहीं क्यों ठीक नहीं हो रहा। इसको पहले मैं दवाई दे देती हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और आपको मिलते हैं आप थोड़ी देर बाद। तो अभी ना जो मैंने अंशु के लिए कपड़े लिए हैं तो उनको चेक कर रहे हैं हम कि कैसे लग रहे हैं, फिट है कि नहीं। ऐसे तो मैं बड़े लेके आई हूँ, तो देखते हैं आपको पहना के कैसे लग रहे हैं। और अभी मैंने उसको दवाई भी दे दी है, थोड़ा आराम है उसको दवाई खाने के बाद। खड़ा उठ, खड़ा उठ, शर्ट बना रहे। तो ये वाली शर्ट ली है मैंने अंशु के लिए, ये देख सकते हैं, और इसके अंदर से टी शर्ट टाइप की है ये वाली, पहना के देख दी हूँ कैसे लगती है। फर्स्ट टाइम ली होगी मैंने अंशु के लिए शर्ट, इसको पहना दो। खड़े उठो, ये क्यों खोल रहा हूँ दवाई, हाथ डालो, हाथ डालो, हैंड डालो। तो अंश को मैंने उसकी शर्ट और पैंट बना दी है, पैंट में उसके लिए कार्गो वाली लेके आई हूँ और उसके पापा के फेवरेट कपड़े लेके आई हूँ मैं उसके लिए, कलर भी और कपड़े भी है ना। ये देख सकते हैं इसका शर्ट आगे का ओपन टाइप का है, टी शर्ट है ना इसमें, और एक कैप भी है इसमें। खुश हो गया अंश आज अपने कपड़े लेके। ले नानी को, नानी में कैसे लग रहा, बटन नहीं लगाए, बटन लगाओ। अरे बटन लगाना नहीं चाहो, अच्छा फैशन न्यू फैशन। पीछे पीछे से दिखा रहा उसको अपने दवाई का थैला फाड़ने के लिए चाहिए है ना। इधर देखो, हाय कर दो अंशु, हाय कर दे, हाय कर दे। हेलो गाइस, कैसे हो? मैं बीमार हूँ लेकिन अब थोड़ा ठीक हूँ, दवाई लाया। अंशु की ब्लॉगिंग हो रही है यहाँ पे, तो ले ब्लॉग बना दे, ब्लॉग बनाओ। तो प्रणाम, कैसे हो आपसे भी? अंशु भी सीख रहे मेरे साथ ब्लॉगिंग करना। तो अंशु ने अपने गॉगल्स भी पहन लिए और अंशु ना हीरो जैसा लग रहा है, हीरो।
अपने पापा की टू कॉपी लग रहा है मेरा आंजी तो। ये सही से करो ना गॉगल्स, यहाँ रखो। यस, और माँ चाय भी लेके आ गई है, और अभी हमारा चाय का टाइम हो गया तो माँ लेके आई है चाय बना के। अंशु को भी पीनी है, तेल है मना कर, और अंशु के लिए ना डॉक्टर ने मना कर रखा है चाय पीने के लिए, क्योंकि इसका थोड़ा लीवर भी कमजोर है और डाइजेशन इसका ठीक से नहीं हो रहा, तो इसीलिए इसको वॉमिटिंग, ये इसका पेट खराब। तो अभी का मौसम देख सकते हैं, थोड़ी देर पहले बारिश हुई हमारे पहाड़ों में, और माँ का चल रहा है क्यारियों में गुड़ाई का काम। तो यहाँ पे राई बो रखी है क्यारियों में, ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी राई हो रखी है, तो इसी की गुड़ाई करने पर लगी है मेरी मम्मी। माँ कभी चैन से नहीं बैठती घर में, 24 घंटा काम ही काम करती रहती है, कभी गुड़ाई तो कभी कुछ। बहुत ज़्यादा हो रखी है इस खेत में राई, तो अलग अलग कर रही है माँ इसको अभी। पूरे क्यारियाँ हरी भरी हो गई हैं आजकल हमारी, ये देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं अंशु को घुमा के लाती हूँ अभी, थोड़ा सा उसका माइंड फ्रेश हो जाएगा बाहर घूम के, है ना अंशु। ये आलू बुखारे का पेड़, मतलब चुहारे हमारे पहाड़ी भाषा में चुहारे बोलते हैं, और ये कितना छोटा सा पेड़ है और इस पर कितने सारे चुहारे आ रखे हैं ये देख सकते हैं। तो थोड़े थोड़े पकने लग गए हैं आजकल चुहारे भी, और एक दो हफ्ते बाद तो पूरे पेड़ के पकने लग जाएंगे, ये देख सकते हैं पूरे पेड़ पर आ रखे हैं चुहारे। और ये हमारा अखरोट का पेड़ है, तो इस साल से ना हमारे इस पेड़ पे अखरोट आना भी स्टार्ट हो गए हैं, फर्स्ट बार आए हैं हमारे इस वाले पेड़ पे अखरोट। मैं और अंशु खेतों की साइड आए हैं घूमने के लिए, और यहाँ पे ताई जी लोग गुडाई करने पे लगे हैं। ले मर्चू, तो हम लोग खेतों से भी घर आ गए थे और डिनर भी हो चुका है हमारा, और मैं अपने बेडरूम में भी आ गई हूँ, और अंशु को भी मैंने सुला दिया है, ये देख सकते हैं। अंशु की तबीयत ठीक नहीं है ना आजकल, आज तो थोड़ा ठीक भी है वो, क्योंकि उसके लिए दवाई इंजेक्शन लगवाया मैंने, और अभी मैंने उसको दवाई दे के सुला भी दिया, तो आज तो ठीक है वो। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करें, और साथ में जो चैनल पर नया है चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।